फलस्तीन पे जुल्म व जबर बंद करो, बंद करो। मुसलमानों पे जुल्म व जबर बंद करो, बंद करो। फलस्तीन पे जुल्म व जबर बंद करो, बंद करो, बंद करो। फलस्तीन पे जुल्म व जबर बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसराइल की दहशत करते बंद करो, बंद करो। इसराइल की दहशत करते बंद करो, बंद करो। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं तमाम ममालिक से, जब ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी तो एक कॉरिडोर किस काम के, ये मेटाडोर्स किस काम के। आपको जब इंसानियत रहेगी तभी जियो स्ट्रेटजी रहेगी, जियो पॉलिटिक्स रहेगी, जियो इकोनॉमिक्स रहेगी। मैं सबसे यही गुजारिश करूँ, मैं कहना चाहता हूँ हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। वो मज़लूम हैं, हम हमेशा मज़लूम के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो पूरे कुरे ज़मीन पर जहाँ भी इंसानियत है, जहाँ भी मज़लूम है, हमें इंसानियत का फरीज़ा भी है और दीनी फरीज़ा भी यही है, हम हामी रहें मुस्तज़फ़ीन को। इसमें कोई मसलक वसलक नहीं, लफ्ज़ इंसान है, इंसानियत। फिर वो किसी मसलक से, किसी फ़िरके से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़मीन पे भी ताल्लुक़ रखता हो। आज ज़मीनी फ़लस्तीन मज़लूम है, उन पर ज़ुल्म हो रहा है। जो जाबिर है, गासिब है, अबर क़ुदरत है, अपनी फिरौनियत उन पर दिखा रहा है, उनमें बस हम उनके साथ हैं। हम उनको कहें आप डटे रहो, खुदा आपको ताउन दे, आप कामयाब कामरान हो गए। उसी तरह अबाबील की तरह जब उस वक्त हुए थे, लश्कर आई थी, परवरदिगार आलम ने अबाबीलों को भेजा था, उनको नेस्त नाबूद किया था। अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है, मगर उनको खुदा ताकत देगी। हमें फरीज़ा, हम उनके हामी रहे, दुआ करें, उनको खुदा कामयाब कामयाब करे, और जो जालिम जुल्म जाबिर है उनको नेस्त नाबूद करे, और उनको हामियों को भी रुसवा इस दुनिया में करे। इंशाल्लाह ये कामयाब कामरान उनके साथ, हम उनके साथ हैं, पूरी हर लिहाज से हम उनके साथ हैं। अगर हमें पास वही इक्विपमेंट नहीं, हम खुद हिंदुस्तान में हैं, हम खुद एक मुसल लोग नहीं, हम कोई तंजीम अस्करियत तंजीम नहीं, तो हम जाए उनको मदद करें, हमको कोई इक्विपमेंट। मगर दिल से हम गहराई दिल से उनके साथ हैं। अगर कुछ नहीं उनके साथ, हर लिहाज हम पाँच वक्त नमाज पढ़े, पाँच वक्त उनके लिए दुआ करें, और हामी है। जहाँ जहाँ हमें लगे ना इनके खिलाफ गलत प्रोपेगंडा किया जाता है, वहाँ हमें जो हकीकत है वो मीडिया के सामने बयान करेंगे। तो जुल्म जाबिर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मज़लूम के साथ हामी रहेंगे, बस यही पाएगा। मोहम्मद इकबाल, मे नाम मोहम्मद इकबाल, बच्चों बड़गाम रोजन वो कि अच्छे जमा गमित अम चीज के फलस्तीन पे जुल्म तशद कर खिलाफ अमरीका खिलाफ इसराइल खिलाफ आवाज़ तुलान सारी लूँ। अच्छ सड़कों में द्रम आम लक लक बच मार तमन आम जबह कर तथा पे कटन जबह करा तथा पे तुम कहें वॉइस नहीं तमन पे कर तथ मजम्मत कर अमरीका इसराइल मजम्मत कर। It's not Palestine, it's a Muslim Muslim to jo ye Islamophobia promote kiya ja raha hai, jo inki actions against the Muslim Ummah hai, un actions ko satisfy karne ke liye ye propaganda kiye ja rahe hain, taki Islamophobia promote ho aur मुस्लिम एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे हो, उसको डीलेजिटिमेट किया जाए। कल को अगर सवाल किया जाएगा कि आप ये क्यों प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमाइजेशन और डीह्यूमनाइजेशन चला रहे हैं, वो यही इसको जस्टिफाई करें, ये टेररिस्ट हैं, इनमें कोई ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि जो इस्लामोफोबिया प्रमोट करने के लिए ये डिसइंफॉर्मेशन लैब चलाई जा रही है। अगर साहब फिर से हम